हेलो वेलकम गाइज। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बोर्ड को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसको हम जावा प्रोग्रामिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें हम डाउनलोड का प्रोसेस देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और इसमें हम सर्च करेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग टूल्स और इसके फर्स्ट वेबसाइट जो दिख रहा है आप spring.io, इसको हमको विजिट करना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको आ जाना है। तो यह रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो अब इसको स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ देखिए आपको चूज़ करना है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका वर्जन दिया हुआ है। तो यहाँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ वाले पर हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लिनक्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैक के लिए यहाँ पे करेंगे। हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर ले सकते हैं, या आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो इक्लिप्स आईडी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इक्लिप्स आईडी में कैसे इंस्टॉल करना, हम उस पर भी एक न्यू वीडियो बना देंगे। अभी इसमें हम बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। चलिए अब लेके चलते हैं हम आपको डाउनलोड फोल्डर में। ये रहा हमारा डाउनलोड, इसको हम रन कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्रोसेस हो रहा है। सो सक्सेसफुली रन हो गया। अब जैसे ही इसको आप रन कीजिएगा आपके सामने में एक अनजिप फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जिप फॉर्मेट में था, ये अनजिप होके एक फाइल यहाँ पे आ जाएगा। तब इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो और इसमें से सबसे नीचे देखिए कि स्प्रिंग टूल्स करके एक एप्लीकेशन जो दिख रहा है, हम यहाँ से ही इसको रन करेंगे। यही रहा मेरा स्प्रिंग बूट को हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये फाइल ही होता है, हम यहीं से इसको यूज़ करते हैं। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना है कि इसका वर्क स्पेस हम कहाँ पे रखेंगे। तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट क्लिक करके इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। ओपन हो जाएगा, जस्ट मिनट, एक मिनट वेट कर लीजिए आप। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कीजिएगा आपके सामने में ये इंटरफेस ओपन हुआ। तब यहाँ से हम क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करके नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी दे देते हैं। इसके बाद हम क्रिएट मॉड्यूल डॉट इसको अनचेक कर लेंगे, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हेलो नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद SRC फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे हम। और एक जावा क्लास ऐड कर लेंगे। अब यहाँ जावा क्लास का हम नेम दे देते हैं हेलो। और यहाँ देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो है इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ देख इसको आप चेक कर लीजिएगा, चेक बटन क्लिक करके इसको चेक करके उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। एक नया क्लास बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा मेरा। तो यह रहा मेरा क्लास। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम।
और यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। तो सर देखिए मेरा यहाँ आउटपुट शो होने लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट के जरिए हमको बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।